आज हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है जज और मैजिस्ट्रेट में। तो देखिए, दो तरह के मामले होते हैं, दो तरह के केसेस होते हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में जो विक्टिम होता है वो कंपनसेशन की मांग करता है, क्रिमिनल केसेस में जो विक्टिम होता है वो पनिशमेंट की मांग करता है कि भाई जिसने उसको सफर करवाया, जो अक्यूज्ड है उसको पनिशमेंट दी जाए, दंड दिया जाए। अब समझिएगा, लोअर कोर्ट में, ये सिर्फ लोअर कोर्ट में जज और मैजिस्ट्रेट कहे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि लोअर कोर्ट में जिसके सामने सिविल केसेस की सुनवाई होती है उसे हम लोग कहते हैं सिविल जज। जिसके सामने सिविल केसेस की सुनवाई होती है उसे हम लोग कहेंगे सिविल जज, ठीक है। और लोअर ही कोर्ट में जहां पर जिसके सामने क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होती है या जो फैसला सुनाता है क्रिमिनल केसेस पर, वो होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्या होता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इट्स नॉट कमिंग हियर। फिर से सुनिएगा कि लोअर कोर्ट में जिसके सामने सिविल केसेस की सुनवाई होती है उसे हम लोग कहते हैं सिविल जज, और जिसके सामने क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होती है उसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब ये कहा जाए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज होता है उसे क्या कहा जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट जज। यानी कि जब हम लोअर कोर्ट से ऊपर जाते हैं तो दोनों ही जज हो जाते हैं, यानी कि वो जो भी करेंगे वो न्याय होगा। सेशन कोर्ट में भी यही होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसकी सुनवाई होती है? सिविल केसेस की। सेशन कोर्ट में सुनवाई होती है क्रिमिनल केसेस की, तो वो कहलाएगा सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन कोर्ट में सेशन जज, यानी कि वो जो भी करेंगे, जो भी फैसला सुनाएंगे, ऐसा माना जाता है कि वो न्याय होता है। इसी वजह से हम लोग उसे सिर्फ जज कहते हैं, उन्हें जज कहते हैं। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीधा जस्टिस हो जाता है। क्या बोलते हैं जो जज वहां पर बैठा होता है उसे हम लोग जस्टिस कहते हैं, न्यायमूर्ति। हिंदी में अगर हम समझें तो न्यायमूर्ति, यानी कि उनका होना ही न्याय होता है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सिविल केसेस में जो सिविल केसेस की प्रोसीडिंग सुनते हैं उसे हम लोग कहते हैं सिविल जज। लोअर कोर्ट में ये सारी जो सिविल जज और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं ये लोअर कोर्ट में होते हैं। सिविल केसेस के लिए सिविल जज और क्रिमिनल केसेस के लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट में। जैसे ही ऊपर जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पर वो डिस्ट्रिक्ट जज हो जाते हैं, लेकिन सिविल केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केसेस की सुनवाई होती है। सेशन कोर्ट में सेशन जज, किसकी सुनवाई होती है? क्रिमिनल केसेस। फिर जैसे हम लोग ऊपर बढ़े सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो क्या हो जाता है? जस्टिस, हिंदी में न्यायमूर्ति, उनका होना ही न्याय माना जाता है। तो अब आई होप आप लोगों को जज और मैजिस्ट्रेट का मतलब समझ में आ गया होगा। सिर्फ लोअर कोर्ट में सिविल जज और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सेशन कोर्ट में दोनों जज हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जस्टिस। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जस्टिस और मजिस्ट्रेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।